इतिहास की किताबें दुनिया के ऐसे कई खौफनाक तानाशाहों की क्रूरता का गवाह है जिनके कारनामों को सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन तानाशाहों में एक नाम ऐसा भी है जिसे हिटलर भी अपना रोल मॉडल मानता था। ये तानाशाह अपने देश की जनता पर क्रूर और निर्दयी था और उसने लाखों की संख्या में लोगों को मौत के घाट उतारा था। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि इटली का तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी था, जिसे फासीवाद का जनक कहा जाता है। आपको बता दें कि अपने क्रूर तानाशाही के बल पर मुसोलिनी ने लगातार 20 सालों तक इटली पर राज किया। जब इटली और जर्मनी हार की कगार पर थे तो मुसोलिनी आज ही के दिन यानी 27 अप्रैल 1945 को हार के डर से वो स्विट्जरलैंड की तरफ भागने लगा। तभी विरोधियों ने उसे और उसकी प्रेमिका क्लेरेटा पेटाची को पकड़कर गोली मार दी। नमस्कार, आज की तारीख है 27 अप्रैल। बेनिटो मुसोलिनी का जन्म 29 जुलाई 1883 को इटली में हुआ। मुसोलिनी के पिता लोहार होने के साथ समाजवादी पत्रकार थे और उनकी मां शिक्षिका थी। पारिवारिक स्थिति कमजोर होने के कारण उनके परिवार को 2 तंग कमरे वाले घर में रहना पड़ता था। मुसोलिनी के पिता ज्यादातर राजनीतिक चर्चाओं में लगे रहते, इसलिए उन्होंने कभी इतना नहीं कमाया कि उनके बच्चे भरपेट खाना खा सके। इसी वजह से मुसोलिनी बचपन से ही गुस्सैल स्वभाव का था और स्कूल के टीचर उसे नियंत्रित नहीं कर पाते थे, इसलिए उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। यहाँ पर भी मुसोलिनी का व्यवहार आक्रामक रहा। एक बच्चे को पेन से जख्मी करने के बाद मुसोलिनी को स्कूल से निकाल दिया गया। स्कूल के बाद उसने एक टीचिंग डिप्लोमा किया और 18 साल की उम्र में टीचर बन गया। कुछ समय बाद ही मुसोलिनी को लगा कि वह टीचिंग के लिए ठीक नहीं है। फिर 19 साल की उम्र में वो इटली से भागकर स्विट्जरलैंड चला गया और वहाँ मजदूरी करने लगा। स्विट्जरलैंड से लौटकर मुसोलिनी ने इटली की सेना में भर्ती होकर कुछ वक्त तक बतौर सैनिक काम किया। फिर सेना छोड़कर अपने घर लौटा और सोशलिस्ट आंदोलन में हिस्सा लेते लेते पत्रकार बन गया। एक राजनीतिक पत्रकार और सार्वजनिक वक्ता के रूप में उसने खूब लोकप्रियता हासिल की। उसने एक ट्रेड यूनियन के लिए प्रचार किया, हड़ताल का प्रस्ताव रखा और मांगों को लागू करने के लिए हिंसा की वकालत की। वह कई बार गिरफ्तार भी हुआ, लेकिन तब तक मुसोलिनी की पहचान इटली के युवा समाजवादियों में सबसे प्रतिभाशाली और खतरनाक नेता के रूप में हो चुकी थी। समाजवादी पत्रों में कई लेख लिखने के बाद उसने अपना समाचार पत्र खोला। ये पेपर इतना सफल रहा कि साल 1912 में उसे आधिकारिक सोशलिस्ट अखबार, जिसका नाम अवंटी था, उसका संपादक बना दिया गया। जब इटली ने प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश किया, मुसोलिनी मूल रूप से युद्ध के खिलाफ था। हालांकि बाद में उसने अपना विचार बदल दिया। उसने सोचा कि युद्ध इटली के लोगों के लिए अच्छा होगा। यह विचार समाजवादी पार्टी से अलग था, जो युद्ध के खिलाफ थे। साल 1919 में मुसोलिनी ने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी शुरू की, जिसे फासीवाद पार्टी कहा जाता है। इसका मतलब है कि सरकार के पास सारी शक्ति है, देश में रहने वाले लोगों को बिना किसी सवाल के अपनी सरकार और देश का समर्थन करने के लिए समर्पित होना चाहिए। फासीवादी सरकारें आमतौर पर एक ही मजबूत नेता या तानाशाह द्वारा शासित होती है। पार्टी के सदस्यों ने काले कपड़े पहने और ब्लैक शर्ट के रूप में जाने गए। वह अक्सर हिंसक थे और उन लोगों पर हमला करने में संकोच नहीं करते जिनके पास अलग अलग विचार होते या फिर उनकी पार्टी का विरोध किया करते। इस दौरान सोशलिस्ट पार्टी कमजोर हो चुकी थी। इटली में भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा था। मुसोलिनी की ताकत बढ़ती चली गई। सेना के टचस्थ हो जाने की वजह से 30 अक्टूबर 1922 को मुसोलिनी की पार्टी ने रोम पर कब्जा कर लिया। बाद में हिटलर के साथ मिलकर मुसोलिनी ने फासीवाद को आगे बढ़ाया। मुसोलिनी ने करीब 7 लाख लोगों को मरवा दिया जो उसकी पार्टी का विरोध करते। साल 1936 में मुसोलिनी ने इथोपिया पर आक्रमण किया और कब्जा कर लिया। मुसोलिनी ने सोचा कि यह केवल शुरुआत थी। उसने महसूस किया कि इटली जल्द ही यूरोप पर ज्यादा राज करेगा। साल 1940 में इटली ने जर्मनी के सहयोगी के रूप में दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया और मित्र राष्ट्रों पर युद्ध की घोषणा की। हालांकि इटली इतने बड़े युद्ध के लिए तैयार नहीं था। प्रारंभिक जीत हार बन गई क्योंकि इटलावी सेना कई मोर्चों पर फैल गई। दूसरे विश्व युद्ध में हार की वजह से 25 जुलाई 1943 तक ऐसे हालात बने कि मुसोलिनी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। वहीं साल 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने की कगार पर था
तब तक सभी मित्र राष्ट्रों ने इटली को अपने कब्जे में ले लिया। दूसरा विश्व युद्ध की शुरुआत में मुसोलिनी ने कहा था, अगर मैं लड़ाई के मैदान से हटूं तो मुझे गोली मार देना। लड़ाई में हार खाने के बाद मुसोलिनी जब अपनी प्रेमिका कैल्युटा के साथ आज ही के दिन यानी 27 अप्रैल को स्विट्जरलैंड की तरफ भाग रहा था, तभी उसके विरोधियों ने उसे पकड़ लिया और गोली मार दी। बाद में ये लोग मुसोलिनी और 16 अन्य लोगों के शव को सड़क पर फेंक गए। उसके शव पर एक महिला ने 5 गोलियां मारी, एक ने उसके शव पर पेशाब किया, कुछ लोगों ने उसके चेहरे पर इतने पत्थर मारे कि मुसोलिनी का चेहरा ही पहचाना ना जा सका। लोगों से मुसोलिनी के प्रति इतनी नफरत थी कि वो उन शवों के ऊपर चढ़ गए और उन्हें अपने पैरों से कुचल दिया। मुसोलिनी ने अपने खिलाफ बोलने वाले लाखों लोगों की हत्या करवाई थी और उसकी मौत पर उन सभी लोगों ने जश्न मनाया। उसके शव को चौक पर उल्टा लटका दिया गया। ऐसा माना जाता है अगर मुसोलिनी 27 अप्रैल को इटली से नहीं भागता तो उसकी ऐसी मौत ना होती। इसके बाद इटली में फासीवादी विचारधारा वाली किसी राजनीतिक पार्टी को सत्ता में कभी जगह नहीं मिली। दोस्तों आइए अब आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 27 अप्रैल की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन साल 1942 में अमेरिका के ओकलाहोमा प्रांत में आए तूफान के कारण 100 लोग मारे गए। वहीं साल 1960 में नई दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज की शुरुआत हुई। साथ ही साल 1972 में अंतरिक्ष यान अपोलो 16 पृथ्वी पर वापस लौटा। आज ही के दिन साल 2011 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने जन्म को लेकर हुए विवाद के बाद स्वैच्छिक तौर पर जन्म प्रमाण पत्र की एक प्रति जारी की। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।